श्रीलंका में आर्थिक संकट काफी गहरा हो गया है। इस बीच महंगाई से परेशान लोग जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे आवास छोड़कर भाग गए हैं। खबर है कि प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे के आवास के बाहर काफी हंगामा किया। कुछ प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की हालत लगातार बदतर होती जा रही है। देश के आम लोग महंगाई से त्रस्त है। काफी दिनों से लोग ऑयल और बिजली संकट से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि कोलंबो में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई है। पुलिस कर्मियों समेत कई लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने वॉरंट कैनन का भी इस्तेमाल किया है। इस बीच गाले क्रिकेट स्टेडियम में भी हंगामा होने की खबर है, जहां ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच हो चल रहा है। प्रदर्शनकारी यहां भी पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं।